Hello, students. Hello, students. Welcome to Pillowform channel. और ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर लीजिए. इन पे जो है आपको अपडेट मिलती रहेगी. और जो है आपको जो प्रीवियस पीजीटी टीसीटी सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पे कराई जाती है डेली 9 बजे. फुल कोर्स अभी शुरू हुआ है. और सीटेट बैच भी जो है अभी नया बैच शुरू हुआ है. और इसमें जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट की जो क्लास होती है वो डेली 9 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे होती है. और सोशल साइंस सब्जेक्ट का हमारा जो है टेलीग्राम चैनल बन गया है, आप सब इसको ज्वाइन कर लीजिए. और जो है टेलीग्राम चैनल पिलर फॉर्म सोशल साइंस सब्जेक्ट के नाम से है, आप उसको जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको क्या है स्टडी मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा. तो मैं हर रोज आपको एक नया कंसेप्ट करवाती हूँ जो एग्जाम्स में जिसमें से क्वेश्चंस 100% आते हैं. तो हमारा जो कंसेप्ट है एनसीईआरटी पर बेस्ड है, क्योंकि जो टीजीटी सोशल साइंस का सब्जेक्ट है उसमें से ज़्यादातर जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो जो हमारा कंटेंट एनसीईआरटी पर बेस्ड है. और मैं आपको जो है कंसेप्ट के साथ साथ ये भी बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे गए हैं. जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो पिलर फॉर्म चैनल पर जाके देख सकते हैं. और वहाँ पर जो है मेरी 25 से ऊपर जो है वीडियोस मिल जाएंगी आपको. इसका मतलब है कि आपके जो है 25 कंसेप्ट पूरे हो जाएंगे और आपको तैयारी अच्छी हो जाएगी. हर एक कंसेप्ट को समझिए पहले आप, फिर उसके बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे. तो सभी स्टूडेंट्स सभी रेगुलर रहें और टेलीग्राम सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए. तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसमें देखेंगे किस प्रकार से भारत में जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करती है, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने के ब्रिटिश सरकार का क्या मकसद था, और भारतीय जो राष्ट्रवादी थी वो किस प्रकार की शिक्षा भारतीयों को देना चाहते थे. तो हम पढ़ेंगे कि प्राच्यवादी जो ब्रिटिश शिक्षाविद थे वो किस प्रकार भारत में जो है एजुकेशन देना, किस प्रकार की एजुकेशन भारत में देना चाहते थे. तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो है 1835 में जो अंग्रेजी शिक्षा को जो है एजुकेशन देने के लिए माध्यम चुना गया था, और 1854 का जो डिस्पैच बोर्ड है वो इम्पोर्टेंट है. तो बहुत सारे आज जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें बताऊंगी जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जो है टीचर के लिए टीचर बनोगे तो इसलिए जो है इस टॉपिक से जो है एजुकेशन के ऊपर है ये. तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सभी स्टूडेंट्स जो है एक्टिव रहे और मेरी क्लास को आप रेगुलर देखेंगे तो आपकी जो है आपको समझ में भी आता रहेगा कि आज मैंने कौन सा टॉपिक शुरू किया है. और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूँगी. तो सभी स्टूडेंट्स जो आ गए हैं चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है कई बार, तो इस वजह से थोड़ा सा क्लास जो है लेट शुरू हुई है. बट कोई नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा. जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से एग्जाम्स में आए हुए हैं वो मैं आपको बताते हुए चलूंगी. तो सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशंस, ये हमारा टॉपिक है, एनसीईआरटी का टॉपिक है. और इसमें से जो क्वेश्चन है एग्जाम्स में आए हुए हैं तो आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा. और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक आज का, तो क्लास को एंड तक देखिए आप.
भारत में जब अंग्रेज शिक्षा को कैसे देखा, अंग्रेजों ने शिक्षा को कैसे देखा, भारत में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्राच्यवाद की परंपरा थी, 1783 में विलियम जोन्स का नाम आता है, प्राच्यवादी थे ये। इनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम्स में आया हुआ है कि विलियम जोन्स कौन थे, ये प्राच्यवाद की परंपरा में विश्वास रखते थे। आगे बताऊंगी मैं आपको प्राच्यवाद की परंपरा क्या होती है। तो ये 1783 में, 1783 में ये विलियम जोन्स कलकत्ता पहुंचते हैं। तो इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में एक कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में चुना गया था, तो ये भारत कलकत्ता में, इसका टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट है, ये 1783 में कलकत्ता आते हैं और ये जो एक कनिष्ठ न्यायाधीश थे। क्योंकि कहा गया है कि अगर किसी देश को जानना है तो उस देश के आप जो है कानून को जान लीजिए, उस देश के बारे में आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के लोगों किस प्रकार का सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है। तो कहा जाता है कि अगर आपको किसी देश को एक्चुअल में जानना है, किसी कंट्री की संस्कृति को जानना है, तो वहाँ के कानून की किताब पढ़िए, कानून को जान लीजिए कि वहाँ कौन कौन से कानून प्रचलित है, ये कहा जाता है। तो इस ये भी एक जो है कनिष्ठ न्यायाधीश थे और एक भाषाविद थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लेटिन का अध्ययन किया था, और फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी और फारसी ये जानते थे। तो ये कौन कौन सी भाषा जानते थे, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं और इनको इतनी सारी भाषाओं की नॉलेज थी। ग्रीक जानते थे, लेटिन जानते थे, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी और फारसी भाषा जानते थे। तो कलकत्ता में इन्होंने पंडितों से संस्कृत भाषा, व्याकरण और कविताएं की भी ये सब सीखा उन्होंने। तो ये कलकत्ता में रहकर इन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा और व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं और ये उन्होंने भारतीय कानूनों का धर्म, दर्शन, धर्म, राजनीतिक का भी ये बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। इन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंगणित, चिकित्सा, अन्य विज्ञानों पर प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। तो प्राच्यवादी होते हैं ये जो भारत की प्राचीन परंपरा थी, भारतीय जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका इन्होंने अध्ययन किया था। और विलियम जोन्स ने जो है ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि भारत में जो है जो भारतीयों को शिक्षा दी जानी चाहिए वो उनकी ही भाषा में दी जानी चाहिए और जो है उन्हीं का जो धर्म है, कानून है, दर्शन है, उसी को पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसी को जो है प्राच्यवाद बोलते हैं। तो ये प्राच्यवादी थे विलियम जोन्स, जिसने भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन किया था विलियम जोन्स ने, और विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी में जो है और भी लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक्टिव रहे और सभी क्लास को लास्ट तक देखे, क्योंकि आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपका जो है पीजीटी हिस्ट्री में और टीजीटी सोशल साइंस हो, सीटेट हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इसलिए अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट तक क्लास को देखिए, और जो स्टूडेंट्स अभी लाइव नहीं देख पाते हैं वो बाद में आप क्लास देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो भी जाके देखिए, क्योंकि वहाँ पर भी जो है मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक करवाए हुए हैं। और क्लास को लाइक कर दीजिए जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो विलियम जोन्स था, इन्होंने जो प्राचीन के भारतीय ग्रंथ थे अध्ययन करते हैं। तो अब जो इंग्लिश मीडियम के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने बोला था कि हमें कंटेंट इंग्लिश में चाहिए, उनके लिए भी है। तो हाउ द ब्रिटिश शा एजुकेशन इन इंडिया, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, इसको ओरिएंटलिज्म बोलते हैं। ओरिएंटलिज्म जो थे वो भारत के जो प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था इन्होंने, और ये सभी क्या थे, भारतीयों को जो है भारतीय संस्कृत में ही ज्ञान देने के जो पक्ष में थे। तो हम बात करते हैं इन 1783 में विलियम जोन्स
arrived in Calcutta, appointed as a junior judge at the Supreme Court. John was a linguist. तो ये जो linguist शब्द है, भाषाविद है, इसका मतलब होता है person who knows several languages such as Greek, Latin, French, English, Arabic and Persian. At Calcutta he learned the subtleties of Sanskrit languages, grammar and poetry from Pandits. So he learned Sanskrit language from Pandits and he also studies ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and the other sciences. तो ये इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कंटेंट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विलियम जोन्स पे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो विलियम जोन्स वाज ओरिएंटलिज्म एंड ही केम टू इंडिया इन 1783 एंड ही वाज अपॉइंटेड एज ए जूनियर जज एंड ही लर्नड संस्कृत लैंग्वेज फ्रॉम पंडित्स एंड ही आल्सो स्टडीज इंडियन टेक्स्ट on law, philosophy, politics, morality. तो यहाँ पर जितने भी important points थे मैंने वो highlight कर दिए हैं. अब जो ये अन्य इतिहासकार है, हमने जो पढ़ा कि जो प्राच्यवादी थे उसमें सबसे पहले विलियम जोन्स का नाम आता है और जो अन्य इतिहासकार थे वो थे भाष्यविद थे जो अलग अलग भाषाएं जानते थे वो थे हेनरी थॉमस कॉलब्रुक और नेथानियल हॉलहेड भी थे. तो ये भी प्राच्यवादी थे. तो इस पर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा गया, चाहे वो यूजीसी एनटीए हिस्ट्री का पेपर हो उसमें पूछा गया, चाहे वो हिस्ट्री पीजीटी का क्वेश्चन हो, तो उसमें पूछा गया था जो प्राच्यवादी ओरिएंटलिज्म में कौन कौन से जो है व्यक्ति शामिल थे उनके नाम बताइए. इस तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इसमें आपको ये नाम याद रखने हैं, ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आपको जो कंसेप्ट करवाया जाता है वो जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपकी जो है प्रैक्टिस कराई जा रही है. तो हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथानियल हॉलहेड भी प्राचीन भारतीय विरासत में रुचि रखते थे. तो इनका भी जो है भारतीय संस्कृति में विश्वास था. तो भारतीय भाषाओं में महारत हासिल करने और संस्कृत और फारसी कार्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते थे ये. और उनके साथ जो विलियम जोन्स ने भी, ये दो व्यक्ति और थे कोलब्रुक और जो हॉलहेड हैं, ये विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं. ये एक सोसाइटी बनाते हैं ये तीन व्यक्ति मिलकर. और इनका काम क्या था, जो भारतीय ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे उनका ट्रांसलेशन का काम करते थे ये. ये सोसाइटी का काम था कि जितने भी प्राचीन भारतीय ग्रंथ है उनका जो है ट्रांसलेशन का काम किया जाता था. और एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका भी शुरू की गई. एग्जाम्स में ये दोनों ही पॉइंट पूछे जाते हैं कि एशियाटिक रिसर्च की पत्रिका किसने शुरू की गई थी. तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्था ने शुरू की गई थी और जो इनके संस्थापक थे उसमें विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथानियल हॉलहेड का नाम आता है. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और इस सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का काम यही था कि जितने भी भारतीय प्राचीन ग्रंथ हैं संस्कृत में लिखे गए हैं, चाहे वो धर्म के ऊपर लिखे गए हैं, चाहे वे आयुर्वेद के ऊपर लिखे गए हैं, चाहे वे दर्शन पे लिखे गए हैं. तो जैसे भगवत गीता का हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो भगवत गीता को जो विलियम जोन्स ने है ट्रांसलेशन किया था. तो इस तरीके से इस सोसाइटी का काम प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना और उनका ट्रांसलेशन से यह संस्था जुड़ी हुई थी. तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा में जो है रुचि लेना शुरू करते हैं. लेकिन आखिर में क्या होता है, 1835 में क्या है, मैकॉले जो है भारत में अंग्रेजी भाषा को ही माध्यम चुनते हैं. तो उसके पीछे भी कुछ कारण थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी हम सिर्फ प्राच्यवादियों की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो मैंने आपको बता दिया है. तो स्टूडेंट्स एंड द क्लास को देखेंगे और जो बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलिए वो रेगुलर क्लास को अटेंड करें.
और हमारे पिलर फॉर्म चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब इंग्लिश में कंटेंट तो बहुत से स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम्स के हैं और इंग्लिश मीडियम्स के हैं, उन्होंने अपनी अपने जो है रिक्वायरमेंट बोली थी कि उनको तो दोनों लैंग्वेज में कंटेंट चाहिए, तो इसलिए मेरे पीपीटी में जो है आपको दोनों कंटेंट मिलेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो हेनरी थॉमस कॉल ब्रुक एंड जो नेथनियल हेड थे वर आल्सो इंटरेस्टेड इन द एंशिएंट इंडियन हेरिटेज टू मास्टर द इंडियन लैंग्वेजेस एंड टू ट्रांसलेट संस्कृत पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश। तो दे ट्रांसलेट संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश। जोन्स अलोंग विद देम सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड ए जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस। तो दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम आगे देखते हैं। तो अब ये जो प्राच्यवादी थे ये कैसी सोच रखते थे, अब आगे इसको आपको और ज्यादा जो है कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई हायर एजुकेशन में भी जाना चाहेगा तब भी वहां पर जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो यूजीसी एनटीए नेट हो और या फिर जो है हमारा सी टेट है या फिर सोशल साइंस टीजीटी है, पीजीटी हिस्ट्री है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो ये हर एग्जाम्स के लिए टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर है कि किस प्रकार से भारत में जो है एजुकेशन को अंग्रेजों ने देखा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जोन्स और जो कोल ब्रुक ने महसूस किया कि भारतीय सभ्यता ने प्राचीन काल में अपनी महिमा प्राप्त की थी, लेकिन बाद में गिरावट आई है। भारत को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्राचीन काल में निर्मित पवित्र और कानूनी ग्रंथों की खोज करना आवश्यक था। तो इन्होंने लगा कि ये 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत में आते हैं, जैसा कि जेम्स मिल भी लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि भारत जो है डार्क एज थी, यहाँ पर जो है समाज में बहुत सारी बुरी कुरीतियाँ प्रचलित थी, स्त्री प्रथा थी, बाल विवाह था, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, पुरुष महिलाओं का सम्मान नहीं करते थे। तो इस आधार पर जो जेम्स मिल है वो भारतीय संस्कृति को अंधकार में युग कहते हैं कि यहाँ की कोई संस्कृति नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है। लेकिन जो प्राच्यवादी थे जो जोन्स थे और कोल ब्रुक ने कहा था कि भारत की जो सभ्यता प्राचीन काल में, तो भारत की सभ्यता बहुत जो है गौरव पूर्ण थी, उसकी अपनी महिमा थी, बाद में गिरावट आई है। तो जेम्स मिल भी जो है भारतीय इतिहास को जो है हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश इस तरीके से भारतीय इतिहास को तीन कालों में बांटते हैं। तो इस तरीके से आगे हम जेम्स मिल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हमें तो इस बात को महिमा की भारतीय सभ्यता श्रेष्ठ है, इसलिए जो है इन इतिहास इन भाषाविदों ने जोर दिया कि जो है कानूनी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, और कानून जो ग्रंथ होते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि किसी भारतीय किसी समाज में वहाँ की संस्कृति कैसी है, सामाजिक जीवन कैसा है, आर्थिक जीवन कैसा है। जोन्स और कोल ब्रुक जो है प्राचीन ग्रंथों की खोज करते हैं। जो एशियाटिक रिसर्च की इन्होंने स्थापना की थी उसका काम था, पहले तो इन ग्रंथों को खोजते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, कहीं कहीं पर जाते थे, उनको पहले खोजते थे, फिर उनको जो है उनका अर्थ समझते रहे, पंडितों के पास गए, वे संस्कृत में लिखे हुए थे, पंडितों के पास जाते हैं, फिर उनका अनुवाद करते हैं और उनसे फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस तरीके से ये इन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया भारतीय संस्कृति को समझने में। और जब बाद में भारत में राष्ट्रवादी भावना का उदय होता है तो तब जो भारतीयों भी जो है प्राचीन ग्रंथों के आधार पर कहते हैं कि प्राचीन सभ्यता श्रेष्ठ थी, भारत में हमेशा से ही जो ऐसी सिचुएशन नहीं रही है। तो यहाँ परियोजना भारतीयों को अपनी विरासत को फिर से खोजने और अतीत की खोई हुई महिमा को समझने में मदद करती है। तो ये भारतीय जो इतिहासकार थे और इन जोन्स विलियम जोन्स और कोल ब्रुक ने जो भारतीय सभ्यता
श्रेष्ठ बताया, तो भारतीय जो इतिहासकार थे उन्होंने भी जो है अतीत की खोई हुई महिमा को ढूंढने के लिए काफी सर्च करते हैं। तो मेरा कंटेंट ये बहुत ही अच्छा है। जोन्स एंड कोल प्रोफेल्ट दैट इंडियन सिविलाइजेशन एंड हैड अटेंड इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड। टू अंडरस्टैंड इंडिया बेटर इट वाज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेट एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशिएंट पीरियड। जोन्स एंड कोलब्रुक वेंट ऑन डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, ट्रांसलेटिंग दैम एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग्स नोन ऑन टू अदर्स। दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प इंडियंस रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट। तो दैट्स वाई जो काम को विलियम जोन्स और कोलब्रुक करते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमें अपनी भारतीय सभ्यता को जानने का मौका मिलता है। फिर हम बात करते हैं कंपनी के अधिकारियों ने क्या महसूस किया कि संस्थाओं को प्राचीन भारतीय ग्रंथों और संस्कृत फारसी साहित्य कविता के अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहिए। हिंदुओं और मुसलमानों को यह सिखाना चाहिए कि वे पहले से क्या जानते थे और जिसे वे महत्व देते थे और कीमती थे। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के ऑफिशियल्स भी हैं वो भी महसूस करते हैं कि जो भारतीय संस्कृत और फारसी साहित्य का अध्ययन किया जाना चाहिए, इसलिए ये जो है भारतीय को समझने के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसलिए भी जो है भारतीय समाज को जो है समझना शुरू किया था, यहाँ के कानून को समझना शुरू किया था, यहाँ के धर्म को समझना शुरू किया था, संस्कृति को समझना शुरू इसलिए किया गया था क्योंकि उनको भारत को क्या है भारत के ऊपर शासन करना था, उनको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था और इसके लिए उसे भारतीयों की आवश्यकता भी थी। इसलिए वो उन्होंने रुचि ली कि किस प्रकार से हम पहले यहाँ के लोगों पर अगर कंट्रोल करना है, उनको अपना गुलाम बनाना है, तो पहले यहाँ पर जो है धर्म का कितना, धर्म में लोग कितना विश्वास करते हैं और जो है उनके ग्रंथों का अध्ययन करके पहले उस समाज को जानते हैं और फिर उस पर जो कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। तो ये इसी सोच के कारण जो है जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते हैं वो भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू करते हैं और उनके लिए काफी बेनिफिट भी रहता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। द कंपनी ऑफिशियल्स फेल्ट दैट इंस्टीट्यूशंस शुड एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर्स पोएट्री। हिंदूज एंड मुस्लिम शुड लर्न व्हाट दे वर ऑलरेडी फैमिलियर विद एंड व्हाट दे हैव वैल्यूड एंड प्रेजर्व। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो कलकत्ता में पूछा जाता है कि कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया गया था, किसने इसकी स्थापना की थी और टाइम पीरियड कब है, इससे जुड़े वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पूछे गए हैं एग्जाम्स में। मैं एग्जाम्स का आपको नाम भी बता देती हूँ। तो पीजीटी हिस्ट्री में पूछा गया है, पीजीटी सोशल साइंस, और ये जो हमारा यूजीसी एनटी नेट का हिस्ट्री का पेपर होता है इसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चंस जो है ये जो इम्पोर्टेंट है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो 1781 में, इस टाइम को याद रखना स्टूडेंट्स, 1781 में अरबी फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, देखो यहाँ संस्कृत शब्द का वर्णन नहीं, यहाँ संस्कृत भाषा का अध्ययन नहीं होता मदरसा में, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मदरसा जो है मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ सिर्फ जो है कलकत्ता में जिस मदरसे की स्थापना होती है वहां पर सिर्फ अरबी फारसी और इस्लामी कानून का अध्ययन करना था, इसलिए मदरसा स्थापित होता 1781 में। और इसकी स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स करते हैं, ये भी नाम इम्पोर्टेंट है,
कलकत्ता में मदरसा की स्थापना जो की थी वो वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। तो इस प्रकार से इससे चार क्वेश्चंस बनते हैं। एक जो कंसेप्ट, ये जो है फैक्ट मैं आपको बता रही, इससे चार प्रकार जो है क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो यहाँ पर है कि, और जो है अब वहां पे सिर्फ इस्लामी कानून फारसी अरबी का अध्ययन करने के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स करते हैं, लेकिन प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के लिए जो है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये की गई थी, ये इम्पोर्टेंट है, 1791 में की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, सभी इसको जो है नोटेड डाउन कर लीजिए। तो इन 1781 ए मदरसा वाज सेटअप इन कलकत्ता टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक पर्सियन एंड इस्लामिक लॉ। तो अरबिक पर्सियन इस्लामिक भाषाओं में जो यहाँ के जो कानूनी ग्रंथ लिखे गए थे उनका अध्ययन करने के लिए ए मदरसा वाज सेटअप इन कलकत्ता एंड हिंदू कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन बनारस इन 1791 टू एनक्रेज द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो कानून का अध्ययन करने की शुरुआत की गई, ग्रंथों के अध्ययन की शुरुआत की गई, ये कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, उनको भारत पर शासन करना था, तो इसलिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला सके कंट्री का, इसलिए वो जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं और मदरसा की स्थापना करते हैं। क्योंकि हम बात बंगाल में कर रहे हैं, कलकत्ता में कर रहे हैं और बनारस में कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा ना कि जब 1764 में अक्सर का युद्ध होता है तो जो है बंगाल, बॉम्बे और मदरसे तीनों जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ का जो शासन करने का जो अधिकार कंपनी को मिल जाता है। अब उसको अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, लोगों को कंट्रोल में रखना है, और जब तक कंट्रोल में आप नहीं रख सकोगे, जब तक आप उनकी भाषा को नहीं जानते हो, उनके धर्म को नहीं जानते हो, उनकी संस्कृति को नहीं जानते हो, तब तक आप उस देश पर जो है उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उन पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है और मदरसा की स्थापना की जाती है। तो इनका जो उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो अंग्रेज है वो भारतीयों पर इतनी जो मेहरबानी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन था। तो उनका अपना जो है उनका अपना कुछ मोटिव था, एडमिनिस्ट्रेशन उनको चलाना था, इस उद्देश्य से वो ऐसा कर रहे हैं। ब्रिटिश अधिकारियों ने सीखने की प्राच्यवादी दृष्टि की आलोचना करना शुरू कर दिया। देखो कुछ अधिकारी थे जो प्राच्यवादी के समर्थन में थे, कुछ विरोध में थे। उन्होंने कहा कि जो पूर्व का ज्ञान है, यानी जो इधर भारतीयों का जो ज्ञान है, इसमें त्रुटियां हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, पूर्व साहित्य जो गैर गंभीर है, हल्के फुल्के थे। तो जेम्स मिल उन लोगों में से एक थे जिन्होंने प्राच्यवादियों पर हमला किया था। तो यहाँ पर जेम्स मिल का नाम आता है। इन्होंने जो है प्राच्यवादियों की आलोचना की कि पूर्व के ज्ञान के इन्होंने ही घटिया बताया था। तो शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए क्या उपयोगी है। तो जेम्स मिल कहते हैं कि भारत में अगर शिक्षा देनी है तो शिक्षा का उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि क्या जो है प्रैक्टिकल है, उपयोगी है, यूजफुल है, वो होना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पश्चिम द्वारा की गई वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति से जो है परिचित कराना चाहिए। तो जेम्स मिल जो थे वो भारतीय ज्ञान को घटिया मानते थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जो ग्रंथ है उनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उनमें कोई जो है ना उनमें अवैज्ञानिक विचार है, कोई लॉजिक नहीं है। तो जेम्स मिल है वो भारतीय जो प्राच्यवादी थे, विलियम जोन्स थे, कोल ब्रुक थे, उनकी आलोचना करते हैं। और ये जो है ब्रिटिश जो उनके उनको कहते हैं कि जो शिक्षा देनी है तो वो जो है पश्चिमी सभ्यता की जो साइंस की और साहित्य की जो उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रगति की है,
उसी से जो है परिचित कराना चाहिए भारतीयों को। तो जेम्स मिल का ये मानना था, तो जेम्स मिल का भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और जेम्स विल की पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है। कई बार जेम्स विल की पुस्तक का भी नाम पूछ लिया जाता है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में किस आधार पर बांटा है। तो इन्होंने हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल के आधार पर बांटा है। और इन्होंने कहा, और ये उपयोगितावादी से जुड़े हुए थे, उपयोगितावादी थे कि शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए। आई होप सभी स्टूडेंट्स को जो है ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप जो है इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए, द ब्रिटिश ऑफिशियल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द ओरिएंटलिस्ट। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, और इसका आधार क्या था? दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट। तो अदर ब्रिटिश ऑफिशियल्स जेम्स मिल, फॉर एग्जांपल जेम्स मिल क्रिटिसाइजिंग द ओरिएंटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट। ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। तो इस प्रकार से ये कहते हुए जो थे ब्रिटिश जेम्स मिल है वो भारतीय प्राचीन ग्रंथों की आलोचना करते हैं। जेम्स मिल वाज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। सो इंडियन शुड बी फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांटेजेस दैट द वेस्ट हैव मेड। अब जो आगे हम मैकाले के बारे में पढ़ेंगे, मैकाले को याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने ही जो है अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम चुना था, इसलिए जो है यहाँ पर मैकाले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो थॉमस बर्मिंगटन मैकाले ने भारत को एक असभ्य देश के रूप में देखा था, तो जेम्स मिल हुआ और ये मैकाले हुआ, तो इन दोनों ने क्या किया था, भारत को असभ्य देश के रूप में देखते हैं। और इन्होंने कहा था कि जो पश्चिम देशों की सभ्यता है, पश्चिमी देशों का ज्ञान है, वही भारतीयों को सभ्य बना सकती है। इसलिए इन्होंने जो है पश्चिमी शिक्षा का समर्थन इस आधार पर ये करते हैं कि भारतीय देश जो है वो असभ्य है। तो इन्होंने आग्रह किया कि भारत में ब्रिटिश सरकार को जो है प्राचीन शिक्षा को बढ़ावा देने में जनता के पैसे को बर्बाद करना जैसा होगा, क्योंकि इसका कोई भारतीय शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। मैकाले ने सोचा कि अंग्रेजी भाषा भारतीयों को दुनिया के कुछ बेहतरीन साहित्य को पढ़ने में मदद करेगी। तो इस तरीके से ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मैकाले ने क्या सोचकर भारत में जो है अंग्रेजी भाषा को लॉन्च किया था। तो उनका ये था कि साहित्य को पढ़ने से जो है भारतीयों को अच्छा साहित्य पढ़ने को मिलेगा, उन्हें पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के विकास से अवगत कराया, 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पेश किया। तो 1835 का जो ये अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम है ये महत्वपूर्ण है, ये मैकाले लॉन्च करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया था, और जो है स्कूलों के लिए अंग्रेजों की पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाने लगी थी। तो स्कूलों में जो है इस प्रकार से अंग्रेजी को लागू किया जाने लगा।
स्विस स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो आप एक बार थम्स अप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो आप यस करके चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको जो है आज का टॉपिक जो है वो समझ में आ गया है, तो आप चैट बॉक्स में यस लिखिए। अब बात करते हैं थॉमस मैकॉले की, बॉबिंगटन मैकॉले वार शो इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। ही अर्ज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया शुड स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वॉज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज। तो मैकॉले डिडंट सी एंड usefulness of Indian education, Indian language, Indian knowledge for it. It was of no practical use. Macaulay thought English language would help Indians to read some of the finest literatures of the world, and that literature make them aware of the developments in Western science and philosophy. The English Education Act of 1835 was introduced, and English was made the medium of instructions for higher education. So this is important point. English textbooks began to be produced for schools. अब जो है हम 1854 की बात करेंगे, 1835 के बाद कि किस प्रकार जो है वाणिज्य के लिए शिक्षा को महत्व देना जरूरी था। 1854 में जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल ने भारत में एक गवर्नर जनरल को जो है शिक्षा का प्रचार करने के लिए भेजा था, यह कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया था। तो जो 1854 में जो शिक्षा को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया जाता है उसको नाम दिया गया था वुड्स डिस्पैच का नाम दिया गया था। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वुड्स डिस्पैच जो है कब आया था, ये 1854 में जो है शिक्षा के प्रस्ताव को नाम दिया गया था। इसमें जो है किस प्रकार की शिक्षा दी जानी है उसके बारे में था जिसका भारत में जो है पालन किया जाना था। प्राच्य ज्ञान के विपरीत यूरोपीय शिक्षा की प्रणाली के यानी कि इसमें क्या था बेसिकली वुड्स डिस्पैच में क्या था, इसमें जो है यूरोप में जो शिक्षा प्रचलित थी उसका गुणगान किया गया था, उसके लाभों के बारे में बताया गया था, तो इसलिए इसे वुड्स डिस्पैच कहते हैं। और 1854 में यह आया था यह प्रस्ताव। तो यूरोपीय शिक्षा भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार के लाभों और देश के संसाधनों के विकास के महत्व को पहचानने में सक्षम बनाएगी। तो मैकॉले का मानना था कि जो ये यूरोपीय शिक्षा है वो भारतीयों को जो है व्यापार करने और वाणिज्य के विस्तार के लाभों के बारे में जानने में मदद करेंगी, यानी कि जो भारतीय हैं वो यूरोपीय जो है पश्चिमी देशों के जो साहित्य को पढ़ेंगे, पश्चिमी ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो वो जान पाएंगे कि किस प्रकार से व्यापार किया जाता है और व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है, और देश में जो मानव संसाधन होते हैं पीपल एज रिसोर्स किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट भी जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजों को भारत में शासन करना था और उनको कलरकों की आवश्यकता थी जिनसे वो काम ले सके, इसलिए उनको जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना जरूरी था। इसलिए जो है एक अंग्रेजों को भारत में अपना शासन चलाने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की जरूरत थी, जो सोच से जो है अंग्रेज हो लेकिन रंग और शक्ल से भारतीय हो, इस सोच से उन्होंने जो है अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 में चुना था। और 1854 में भी जो है यूरोपीय शिक्षा का ही गुणगान किया गया था।
1854 के डिस्पेस के बाद अंग्रेजों ने कई उपाय किए शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए सरकार के शिक्षा विभाग स्थापित किए गए थे। तो यानी अंग्रेज जो है एजुकेशनल डिपार्टमेंट की भी शुरुआत करती है, और जो है 1857 में जो है 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा की एक प्रणाली स्थापित करने के लिए भी कदम उठाए थे, क्योंकि 1854 में जो वुड डिस्पैच आया हुआ था उसमें जो है यूनिवर्सिटी स्थापित करने के बारे में वर्णन था। तो इसी कारण जो 1857 में, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम से पूछा जाता है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में है जो यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1857 में की गई थी और ये 1854 के वुड डिस्पैच के आधार पर की गई थी। स्कूली शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव लाने में के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे 1854 के डिस्पैच में। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सभी जो है इसको ध्यान में रखें। तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड सेवरल मेजर्स फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वर सेट अप टू एक्सटेंड कंट्रोल ऑल ओवर द मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। तो द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कंट्रोल ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग द एजुकेशन steps were taken to establish a system of university education. In 1857, universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay. Attempts were also made to bring about changes within the system of school education. So, 1854 या जो वुड डिस्पैच है इसमें जो है कहा गया था कि बम्बई, मद्रास, कोलकाता में 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए और जो स्कूली एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें भी बदलाव लाए जाने चाहिए। तो हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार का जो है भारत में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, किस तरीका के इंस्टीट्यूशन थे, यहाँ पर जो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कैसा था। तो इससे से आपको पता चलेगा कि अंग्रेज कितना चेंज जो है लेके आए थे उस टाइम पर। अब ये जो विलियम एडम की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, इसने जो है बंगाल और बिहार के जिलों में जितने भी जो स्थानीय लोगों में शिक्षा की व्यवस्था थी, स्थानीय लोग कैसे पढ़ाते हैं, कहाँ पर पढ़ाते हैं, उनकी पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार की होती हैं, वो किस प्रकार का ज्ञान देते हैं, तो ये चीजें हैं कि वो किस प्रकार का ज्ञान देते हैं। तो विलियम एडम को जो है जो ब्रिटिश सरकार है वो विलियम एडम को काम देती है कि वो बंगाल और बिहार में देखे कि वहाँ पर जो स्थानीय लोग ब्राह्मण पंडित हैं वो किस प्रकार से जो है स्थानीय लोगों को जो है शिक्षा दे रहे हैं, उनका पाठ्यक्रम कैसे वो डिसाइड करते हैं, उनकी स्कूल में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम इन 1830s, विलियम एडम taught the district of Bengal and Bihar and had been asked by the company to report on the progress of the education in vernacular schools. तो एडम एक जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें क्या मिलता है बंगाल और बिहार में, तो वो बताते हैं सरकार को कि 1 लाख से अधिक पाठशालाएं हैं और जिसमें प्रत्येक में जो है 20 से अधिक छात्र नहीं है, मतलब पाठशाला 1 लाख से अधिक है लेकिन प्रत्येक जो पाठशाला उसमें 20 से अधिक छात्र नहीं थे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार जो है विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कि उसने जो है कौन से जिलों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो बंगाल और बिहार का नाम याद रखना और उन्होंने क्या क्या बताया था, क्योंकि कई बार
जो चार ऑप्शंस होंगे उसमें चार तो जो रिपोर्ट में शामिल है वो, और तीन ऑप्शन वो रखेंगे जो रिपोर्ट में शामिल है, और जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो उसमें रिसर्च नहीं किया हुआ काम को शामिल किया जाएगा। तो आपको इस एक बार ये इस रिपोर्ट को समझना जरूरी है। और उन्होंने कहा कि जो पाठशालाओं की स्थापना है वह धनी अमीर लोगों के द्वारा की गई थी, स्थानीय समुदाय ने मिलकर की गई थी। शिक्षा प्रणाली लचीली थी, वो किस प्रकार की लचीली थी मैं बताती हूँ। जैसे कि फसल काटने का समय आ गया तो स्टूडेंट्स को क्या है छुट्टी प्रोवाइड की जाती थी उस समय, तो इसे लचीली कहते हैं। और जिसमें कोई निश्चित शुल्क भी नहीं था, कोई प्रिंटेड पुस्तकें नहीं थी, कोई स्कूल भवन नहीं था, कोई बेंच कुर्सी नहीं थी, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, अलग अलग कक्षाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो देखिए वो बता रहे हैं कि कोई बेंच नहीं, कुर्सी नहीं, पुस्तक नहीं, कोई रोल कॉल रजिस्टर नहीं, कोई वार्षिक परीक्षा नहीं, कोई नियमित समय सारणी नहीं, मतलब कोई टाइम टेबल नहीं। तो उन्होंने कहा कि पाठशालाएं हैं लेकिन कुछ भी नहीं है। जो देखो उस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो आज हम मॉडर्न इंडिया में देखते हैं, क्लासरूम देखते हैं, टेबल बेंच स्मार्ट ब्लैक बोर्ड देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन उस टाइम पर क्या था, ऐसा कुछ भी जो है विलियम एडम को नजर नहीं आता है। तो वो ये रिपोर्ट पर सरकार को भेजते हैं कि प्रिंटेड पुस्तकें भी नहीं। उस समय जो है मौखिक ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जाता था, तो जो सरकार होती थी वो मौखिक ज्ञान पर ज्यादा फोकस करती थी, मौखिक पढ़ाया जाता था। और फीस इसलिए नहीं थी क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता था स्टूडेंट्स को तो जो गुरु दक्षिणा देनी होती है वो दी जाती थी। तो और इस प्रकार से लचीली थी कि फसल टाइम के काटने पर स्टूडेंट्स को छुट्टी दी जाती थी ताकि वो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सके। तो ये सारी बातें जो है विलियम रिपोर्ट्स में लिखी गई हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा अपने प्राचीन भारत के बारे में जानकारी लेके कि उस टाइम पे जो है किस प्रकार जो है पाठशालाएं थी ही नहीं। और आप जो है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय विलियम एडम, ओवर 1 लाख पाठशाला वर्ग प्रेजेंट इन बंगाल एंड बिहार विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स इच। दिस इंस्टीट्यूशंस वर सेट अप बाय द वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी। द एजुकेशन सिस्टम वाज फ्लेक्सिबल विद नो फिक्स्ड फीस, नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, नो बेंचेस, नो चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल कॉल रजिस्टर, नो एनुअल एग्जामिनेशन। तो वो सारी ये जो है जो आज हम देखते हैं, आज मॉडर्न टाइम में हम ये सारी चीजें देखते हैं। आज हमारे पास प्रिंटेड बुक्स, ब्लैक बोर्ड है, टाइम टेबल है, एनुअल एग्जाम्स होते हैं, लेकिन उस टाइम पर जो है ये ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उस टाइम पर जो है ओरल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता था, मतलब कि मौखिक शिक्षा जो है स्टूडेंट्स जो है गुरु के पास बैठ के सुनता था ध्यान से और सिखाई जाता था। और केवल जो जीवन में काम आने वाली बातें होती हैं सिर्फ वही बातें जो है उसको मौखिक ज्ञान उस उन्हें का दिया जाता था, और गुरु बोलता था और जो शिष्य होता था वो सुनता था और उसको वो है अपने जीवन में उतार लेता था। इसलिए इस तरीके से जो ज्ञान होता था वो पीढ़ी दर जो है इस तरीके से पहुंचाया जाता था बिना प्रिंटेड बुक्स की मदद से। तो इस कारण से इस टाइम की जो है मेमोरी जो लोग स्टूडेंट की मेमोरी अच्छी होती थी। एक बरगद के पेड़ के नीचे अब जो पाठशाला होती थी वो कहाँ कहाँ चलती थी, एक गांव की दुकान के कोने में, मंदिर के कोने पर, या गुरु के घर पर जो है कक्षाएं होती रहती थी। स्कूल की फीस माता पिता की आय पर निर्भर करती थी। और ना जो वहाँ के गुरु होते थे वो माता पिता के कैसे अमीर है तो उस हिसाब से फीस लेते थे। अमीरों को गरीबों की तुलना में अधिक भुगतान करना पड़ता था, और गुरु तय करता कि छात्रों की जरूरत के अनुसार ही उसे मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था। और जो है आज हम फोकस करते हैं, अब हम फोकस करने लगे हैं कि जो है छात्र को उसकी जरूरत के हिसाब से ही ज्ञान दिया जाना चाहिए। स्कूल को जो है छात्रों को एक जगह एक साथ बैठाया जाता था,
इस तरीके से जो है एजुकेशन दी जाती थी, एक पेड़ के नीचे, एक दुकान के नीचे एजुकेशन दी जाती थी। तो क्लासेस वर हेल्ड अंडर ए बनियान ट्री इन द कॉर्नर ऑफ ए विलेज। तो क्लासेस वर हेल्ड इन द कॉर्नर ऑफ ए विलेज शॉप टेम्पल और एट द गुरुज होम। स्कूल फीस डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स एंड एजुकेशन वाज गिवन ओरली इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वर सेट टुगेदर इन वन प्लेस एंड द ग्रुप इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स। इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था। तो इस तरीके से जो विलियम रिपोर्ट ने ये बंगाल बिहार के जिलों में जो पाठशालाएं चलती थी डिटेल्ड में काफी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं डिटेल में सरकार को, क्योंकि सरकार को क्या है समझना था और तभी वो चेंजेस लाते हैं 1854 की वोट डिस्पैच में। तो आज के लिए इतना ही। तो हम कल एक नए कंसेप्ट शुरू करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स जो हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो टेलीग्राम चैनल बन चुका है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं हमारे और भी अन्य जो है टेलीग्राम चैनल्स बने हुए हैं, जिसमें आपको जो है वैकेंसी के बारे में भी अपडेट किया जाता है, एग्जाम्स पैटर्न के बारे में भी जो है आपको अपडेट किया जाता है। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं तो उसमें आपका ही फायदा है। और क्लास में जो मेरी क्लास में आप रेगुलर रहिए, जो स्टूडेंट्स रेगुलर रहेंगे रेगुलरली क्लास को अटेंड करेंगे उनको कंसेप्ट अच्छे से समझ में भी आएगा। और तो कल मिलते हैं स्टूडेंट्स 9 बजे। सभी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास अटेंड करोगे तभी कंसेप्ट आपको समझ में अच्छे से आएगा। रेगुलर रहिए क्योंकि मैं आपको जो कंसेप्ट करवाती हूँ वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाती हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो और आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए एग्जाम्स के लिए। तो रेगुलर रहिए, डेली 9 बजे जो है क्लास।